मंदसौर जिले के मल्लारगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम बुढ़ा में विमुक्त घुमक्कड़ जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। इसमें आसपास अंचल क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनों ने भाग लिया और संबंधित विभाग में अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई। प्रशासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान पधारे मुख्य अतिथि शायद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कन्याओं को फूल माला पहनाकर अतिथियों के स्वागत सम्मान के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। हम आपको बताते चलें कि घुमक्कड़ समाज के आयोजन में 51 समाज के लोग एकत्रित हुए थे, जिनकी छोटी से छोटी समस्याओं को प्रशासन द्वारा लगाए गए कैंप से संबंधित विभाग के अधिकारियों ने समस्याएं सुनी और हर संभव मदद की बात कही। कार्यक्रम में पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जमीनों, आंगनवाड़ी केंद्र, स्थायी पट्टों सहित अनेक तरह की समस्याओं की जानकारी मिली थी, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। एक बार नियम कानून और दस्तावेजों में आएगी उनको हम करेंगे और प्रशासन द्वारा ही जल्द ही इनकी मदद की जाएगी। घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति समुदाय का ये प्रथम शिविर था, तो ये हमारे लिए एसपी साहब और सीओ साहब सबके लिए एक तरह से कह लें कि जानकारी का भी दिन था। कुछ जैसे होता है, कुछ बातें समझ में आई हैं कि जहाँ ये समुदाय रह रहा है वो ज़मीन का पट्टा उनके पास नहीं है, ज़मीन की नवैयत परिवर्तन करना है, वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बनाना है। और आज जो इंडिविजुअल जो एप्लीकेशंस वगैरह आए हैं, तो इसमें से अभी तक जितनी चीज़ें समझ में आई, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में ही सारी चीज़ें आती हैं, बस जो नियम कायदा कानून है उसके संबंध में दस्तावेज का अध्ययन और उस कानून को पढ़ना और उसके आधार पर कार्रवाई करने का है। तो जो भी नियम कायदे कानून के उसमें दायरे में है, जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें जो है हम लोग करेंगे प्राथमिकता के आधार पर। और कल भी एक और शिविर है, वहाँ भी हमें एक्सपोज़र मिलेगा, जानने का अवसर मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ये प्रशासन जो है, प्रशासन की प्राथमिकताओं में जो है इस समुदाय का काम रहे और हम पहले उनका काम करें। सर, अभी तक कितने कैंप यहाँ पे लगातार चल रहे हैं? ये पहला कैंप है, मैंने पहले ही बोला ना कि ये इवन जो आयोजक थे उन्होंने भी कहा कि शायद ये हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह से घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ समुदाय जनजातियों के संबंध में कैंप आयोजित है। तो ये पहला था, और जैसा SDM मैडम ने बोला कि लोगों को विभिन्न जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, योजनाएँ हैं, निर्देश हैं, कई बार लोगों को पता नहीं रहता तो इसलिए भी लोग लाभ नहीं उठा पाते। तो ये शिविर एक अच्छा माध्यम बना कि लोगों को पता चले कि सरकार गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए क्या क्या कर रही है। आज घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ और विमुक्त जनजातियों के समस्याओं के निराकरण के लिए एक शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारा अप्रोच था कि जो शिकायतें आएँ उनका तुरंत निराकरण हो जाए और हम उनको क्या बेनिफिशियरी जो स्कीम्स हैं उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, इस संबंध में हमने आज एक छोटा सा प्रयास किया है। चूँकि शासन प्रशासन की पूरी कोशिश रही है कि जो शिकायतें आई हैं उनका आज ही निराकरण हो, और हमने पूरे प्रयास किया। किस तरह की शिकायतें? ज़्यादातर शिकायतें BPL की आई है, तो चूँकि जाँच कराकर पात्रता अनुसार सभी को BPL कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। आज पूरे मध्य प्रदेश में 31 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, प्रत्येक ज़िले में घुमंतु समाज के सम्मेलन और आयोजन किए जाएंगे। और हमारे आज प्रथम मंदसौर ज़िले में सम्मेलन हुआ है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मेरे घुमंतु समाज और मेरे भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देऊँगा। 17 तारीख को आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, वो भी हमने आज घुमंतु समाज की ओर से उत्सव से मनाया गया। उनको भी मेरे घुमंतु समाज की ओर से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई और हजारों साल जिए। हमारी मांगे जो आज हमने 4 मांगे की थी माननीय कलेक्टर साहब से, जहाँ हमारा मजरा टोला बसा हुआ है वहाँ उनको आबादी घोषित करें, जहाँ उनके मकान बने हुए उनको 30x30 का मालिकी हक पट्टा दें, जो लोग वंचित हैं पात्रता पर्ची में जिनको अभी किसी कारणवश नहीं अनाज मिल रहा है उनको सभी घुमंतु समाज को अनाज मिले, तीसरा उन लोगों को जो बच्चों को छोटे रहते हैं उनके प्रत्येक गांव में आंगनवाड़ी स्थापित की जाए ताकि छोटा बच्चा बड़ा बनकर एक व्यवस्थित बन जाए, ऐसा मैंने उनसे सबसे आग्रह किया है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कलेक्टर साहब ने, ये चारों मांगे आपके हम कृष्ण चंद्र सिसोदिया, घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जनजाति सामाजिक न्याय मंत्रालय का एक मंत्रालय बना, बोर्ड बना है, उस बोर्ड का मैं सदस्य हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री एडवाइजर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मैं एक सदस्य हूँ।